गुड इवनिंग गाइस एंड गर्ल्स, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और जबरदस्त, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एंड आग लगा देने वाली क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और आपके नींद और सपनों में आने वाला घोस्ट सी आदर्श जोशी, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ बीसीआर क्रैश बैच के अंदर। जल्दी से बता देना क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, ताकि मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकूं। ऐड तो मुझे नजर आ गई है, अगर ऐड नजर आ गई इसका मतलब हम सही रास्ते पे भिड़ू। तो एक बार जल्दी से लाइक ठोकते हुए, बिल्कुल बेरहमी से लाइक के बटन का हत्या कर दो बेटा। लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, मतलब उसने अपना, मतलब बोल रहा ना, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लाइक के बटन ने जिंदगी छोड़ देना चाहिए, मतलब इतना बेकार तरह से उसको तोड़ डालो। आग लगा दो बेटा, आग लगा दो, यस, आग लगा दो बेटा, आग लगा दो, यस, आग लगा दो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जबरदस्त क्लास में। मेरा नाम है सियादत जोशी और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज कंटिन्यू करने वाले हैं बीसीआर क्रैश बैच। हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, कुछ प्लस स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं। तो अगर आपने भी बाहुबली परिवार के किसी सदस्य का कोड यूज किया है, या आपने इस गरीब बच्चे का, है ना, आपको पता है अभी 20% ऑफ चल रहा है, अगर आप आज और कल अगर सेशन अगर प्लस परचेस करते हो, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और मेरे साथ और भी इस तरह से फन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज यूज दी आदर्श एंड ज्वाइन प्लस, एंड फिर लेट मी नो, आई विल इमीडिएटली एड यू टू एकाग्रता ग्रुप। दोस्तों हमारे पास गूगल ड्राइव फोल्डर्स भी है, इसके ये भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और पूरे बाहुबली परिवार का आपको साथ मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज द कोड सी आदर्श एंड हेल्प मी आउट। जो लोग प्लस नहीं ले रहे उनके लिए फ्री क्लासेस का ट्रैकर भी मैं लेकर आया हूँ, इसके थ्रू आप सभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस क्लास कैसे ली जाती है, कितने प्लान है, उसके क्या बेनिफिट्स है, और ये 20% ऑफ कब तक चलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। तो एंड तक जरूर रुकना, जरूर देखना, ये अमेजिंग ऑफर आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं आज कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले डेफिनेशन देखा था कि कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है टू शेयर। तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल, बिहेवियर एंड राइटिंग। हमने देखा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उसका एकदम इफेक्टुअल इफेक्चुअल आंसर रिस्पॉन्स आना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें से हम लोगों ने फिर बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश देखा, और जनरल इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ना ही सिर्फ ओरल बट रिटन कम्युनिकेशन भी आता है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ उसको, जरा गलती से भी भूलने की कोशिश मत करना। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, अनपिट सेलर वाली मेरी पहले समझ नहीं आया थी और अपने एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच अरविंद शर्मा एंड इट्स लिटरली, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है अखिलेश भाई, लॉपति, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड मेरा आगे यूट्यूब का प्लान है बीसीआर क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाना है, और फिर हम लोगों ने रिविजन मैराथन लेनी है। यूट्यूब पे जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट वन हो रखा है, यूनिट टू और थ्री आप प्रीवियस बैच से देख सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड बीसीआर क्रैश कोर्स यहां पर होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन ओरल दोनों आ जाता है। मैंने आपको बताया रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है, ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है। हम लोगों ने देखा कि ओरल कम्युनिकेशन में कैसे स्पोकन ग्रामर का इस्तेमाल होता है। ग्रामर के बिना, नमक के बिना खाने समान है भाई, प्रोनाउंसिएशन के बिना ग्रामर। हमने ये सारे पॉइंट्स भी देखे। फिर हम लोग चले गए थे आगे, कहां पर बेटा, कहां गए थे हम लोग? तो हम लोग आ गए थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर तो भाई साहब आग लगा के बैठे हैं सब लोग, आग लगा के बैठे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सीखा था पैट ऑन द बैक, इट्स फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, स्टांस, जेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, टच, अदर फिजिकल सिग्नल्स, ये सब, यानी बोलते ना जो पर्सिंग ऑफ लिप्स, क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स, ये सब एक नॉन वर्बल फिजिकल कम्युनिकेशन है, जिससे आगे वाले को आपके मन की विचार समझ में आ जाते हैं। रिसर्च एस्टिमेट दैट 55% ऑफ आवर एंटायर कम्युनिकेशन इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर कल मैंने आपको बताया था पैरा लैंग्वेज, याद है कल की क्लास मैंने एक क्वेश्चन से एंड की थी बेटा, हाउ वॉज द क्लास? मैंने कल की क्लास एक क्वेश्चन से एंड की थी, हाउ वॉज द क्लास, कितने लोगों को याद है? मैंने इसका जवाब दिया था द क्लास वॉज ऑसम सर, दिया था या नहीं दिया था द क्लास वॉज ऑसम?
और आप लोग खुद मुझे बताएंगे, मैंने दो तरह से यही सेंटेंस बोला था, एक में ऐसा लग रहा था कि भाई मैं जेन्युइनली सच कह रहा हूं, तो वहीं दूसरे में ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो कुछ तो गड़बड़ है, याद है कि नहीं याद है। दोस्तों आप लोगों से मैंने कहा था कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना आपकी क्या राय है। और मुझे आपको बताते हैं गर्व महसूस है, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए आज क्लास के एंड में, मुझे याद दिला रहा, मैं आपको कमेंट्स भी दिखाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच। वगेशा, नील लोबो, फैजान, मोही, जयंत शर्मा, सुमित कामत, शिवधारी रॉय, अमरजीत कैताल, ओम प्रकाश शॉ, क्रेजी सोल, आयुष, लवली शर्मा, विकास शर्मा, दानिश शर्मा, बहुत बहुत थैंक यू। नीलेश हलशिकर, श्रेय खंडेलवाल, खुशी नायक, देन पी कल्याण चक्रवर्ती, राज एंड सो मेनी अदर पीपल हु हैव कमेंटेड डाउन बिलो, थैंक यू सो मच। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी कमेंट्स लाइक कर रहा हूँ, और मुझे सच में ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मैं आई एम फीलिंग प्राउड टू बी योर टीचर, बिकॉज यार ज्यादा वक्त नहीं लगता, पता है, लाइक करके छोड़ दिया, हो गया अपना काम, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ईमानदारी से जाके कमेंट दिया है, यार पढ़ाता तो सब टीचर है, लेकिन वो टीचर ज्यादा मेहनत करता है जिसके ऊपर बच्चे भी प्यार अपना बरसाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा प्यार मेरे ऊपर बरसाना पड़ेगा। 100 लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं, मैं 100 लोगों से कहना चाहता हूं आज लाइक का बटन तोड़े बिना आप घर नहीं जाएंगे। पैरा लैंग्वेज में होता क्या है कि जो वॉइस का क्वालिटी है, इंटोनेशन है, पिच है, स्ट्रेस है, इमोशन है, टोन है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, ये सब कम्युनिकेट करता है मोर देन वर्ड्स। आपके एक्चुअल वर्ड्स क्या बोल रहे हैं ना, वो रह गई अलग बात, आपके एक्चुअल वर्ड्स क्या कह रहे हैं ये अलग रह गया, आप किस टोन में बात कह रहे हैं इससे कुछ और भी हमें पता चल जाता है, इसे कहते हैं पैरा लैंग्वेज। दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज इधर ही खत्म नहीं होता, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे कि एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा ओपरा म्यूजिक, जिसमें वो एक बंदी ओपरा आह ऐसे करके गाती रहती है, मतलब भाई पीछे प्ले चल रहा है और लोग रो रहे होते हैं, मेरे को समझता भी नहीं क्या गा रही लेकिन लोग रो रहे होते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप डांस के जरिए, पेंटिंग के जरिए, स्कल्पचर्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए आप अपने मन की बात, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने फीलिंग्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग विद देम। एक गाना, एक डांस, एक पेंटिंग, सब कुछ बहुत कुछ कह जाती है। तो बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज वो कन्वे कर जाती है और उसे कहा जाता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है बेटा? एस्थेटिक कम्युनिकेशन। फिर आता है अपीयरेंस। दोस्त अपीयरेंस कभी झूठ नहीं कहते, अपीयरेंस नेवर लाई। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड दैट इज ट्रू। नहीं, फर्ज करो आपको एक नई नई जॉब मिली, 100 का आंकड़ा टच कर लिया, 100 का आंकड़ा एक बार आग लगा दो, 100 बच्चे लाइव बैठे देख रहे, आपने आपने एक नई नई जॉब आपको मिली है, पहला दिन है, बताओ क्या कपड़े पहन के जाओगे? हमारे बीच में एक स्टूडेंट है, कौन है, कौन जाएगा बताओ? बात करते हैं वेदांत की, है ना? वेदांत भाई आते हैं, बोलते हैं क्या है, ऑफिस जाना है? अच्छा, वेदांत भाई घर का बरमूडा पहन के, ऊपर से वो स्लीवलेस टी शर्ट पहन के चले गए पहले दिन बैग उठा के ऑफिस। मुझे बताइए क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनका ऑफिस के अंदर। क्या आप जब स्कूल में, जब क्लास में टेस्ट देने जाते हो, पेपर्स देने जाते हो, या आप स्कूल जाते हो, क्या आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होते हो या नहीं? आप जब ऑफिस जाते हो, आपके घर वाले ऑफिस जाते हैं, क्या वो आपको अप्रोप्रिएटली ड्रेस दिखते हैं या नहीं? तो दोस्तों आपका अपीयरेंस आपके बारे में और आपके काम के बारे में बहुत कुछ बोलता है। अगर एक काला कोट पहने आदमी मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में आ जाता है ये लॉयर है। अगर व्हाइट कोट पहन के कोई आता है, मुझे समझ में आता है ये डॉक्टर है। दोस्तों आपके अपीयरेंस से भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट हो जाती है बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने। तो अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो आप टोपी पहन के, हाफ चड्डी पे कपड़े लेके नहीं जाओगे, आप प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे, सूट पहन के जाओगे, टाई लगाकर जाओगे, वेल ग्रूम्ड, वेल ऐसे आप जाओगे। क्यों जा रहे हो ऐसे? बिकॉज योर अपीयरेंस टॉक्स अ लॉट अबाउट यू। एंड यूजुअली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एनी पर्सन सीज इज योर अपीयरेंस। आप दूर से भी चल के आ रहे होते हो ना, तो आपको पहले देखा जाता है और आपके बारे में एक मन में ख्याल बनाया जाता है और फिर आपसे बात की जाती है, करेक्ट? सो ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली इन ऑल द फॉर्मल इंटरैक्शंस आर एम्फसाइज्ड।
इसको आप लोग लाइटली नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल फॉर बॉयज द ड्रेस कोड विल बी फॉर्मल सूट्स ट्राउजर्स प्लेन व्हाइट और लाइट कलर्ड शर्ट एंड लेदर शूज. ठीक है, फिर ब्राइट कलर जीन्स टी शर्ट स्पेशली विथ स्लोगन्स. क्या ये अच्छा लगेगा अगर आपको दिखा कि एकदम पिंक कलर का जीन्स पहन के लड़का जा रहा है, पिंक कलर का जीन्स, ठीक है, और उसमें फ्लोरोसेंट येलो कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर लिखा है यहां पर कि मैं माँ का लाडला. क्या लिखा है? माँ का लाडला. ऐसा चमक रहा है वो, ये बंदा ऑफिस में जा रहा है. नहीं नहीं तुम बताओ यार मेरे को, फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहन के जा रहा है. अरे यार ये सब चीजें मैटर करती है यार. आप जीन्स टी शर्ट या स्लोगन वाले इनफॉर्मल वियर पहन के आप ऑफिस नहीं जा सकते. फॉर विमेन ऑल्सो फॉर्मल टू पीस ट्राउजर्स होते हैं, स्कर्ट सेट्स होते हैं, फॉर्मल एथनिक वियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साड़ी है ना, और भी बहुत सारी ड्रेसेस होते हैं, वो परमिसेबल है. वो भी कोई तड़क भड़क कपड़े पहन के नहीं जाते, कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रहे, वो ऑफिस में काम करने जा रहे. तो आपको अपने अपियरेंस बहुत ही क्रिस्प और क्रिस्टल रखना पड़ेगा और वही आपके बारे में बहुत सारी बातें कर देता है विदाउट यू इवन स्पीकिंग और अटरिंग अ वर्ड. समझ में आ रहा है क्या? चलिए हाँ बेटा पूरा बीसीआर होगा कल्याण, पूरा बीसीआर होगा, डोंट वरी. ठीक है चलो, तो भाई लोग तुम ज्यादा मस्ती कर रहे हो, जरा पढ़ लो इधर. ठीक है हाँ चलो. नॉट अलाउड. नेक्स्ट, कुछ रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ रिलीजियस सिंबल्स जैसे ओम स्वस्तिक, ये सारी चीजें भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देती है. ईगो बिल्डिंग सिंबल्स जैसे कि अगर आपने किसी के सिर के ऊपर एक लाइट बल्ब जलते दिखा तो आपको क्या पता चलता है इससे? अगर कोई आदमी ऐसा बैठा है और उसके ऊपर सिर पे एक लाइट बल्ब बना हुआ है जो जल रहा है, इसका मतलब ही हैज जस्ट रिसीव्ड एन आइडिया. ये कैसे समझा? इट इज एन ईगो बिल्डिंग सिंबल जो आप देखकर समझ में आ जाता है. तो ऐसे कई सारे सिंबल्स देख के हमें एक चीजें समझ में आ जाती है. करेक्ट, पेपर में परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है. प्रियांश अग्रवाल, व्हाट एवर इज योर क्वेश्चन हम क्लास के एंड में देखेंगे, मैं बीच में अपना टेम्पो तोड़ने वाला नहीं हूं. सो स्टॉप स्पैमिंग ब्रो, स्टॉप स्पैमिंग. ओके, आई पुट यू इन टाइम आउट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स बिकॉज आप एक ही क्वेश्चन मैसेज बार बार देख रहे हैं तो उससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है. एंड ऑफ द क्लास आप पूछ सकते हैं, या अगर आपको इतना ही ज्यादा जोर से क्वेरी आ रहा है कि रहा नहीं जाता, क्वेरी ही कुछ ऐसी है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट यू नो कनेक्ट विद मी एंड ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई विल रिप्लाई. चलिए विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है? अरे वेदांत भाई आओ फिर मिलने यार, पुणे में हो तो आप क्या बात कर रहे हो? हाउ इज इट दैट यू आर इन पुणे एंड मैं आपसे मिला नहीं अभी तक? ये बात तो गलत है. चलो मिलेंगे हम लोग. विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन होता है विजुअल एड्स के थ्रू. विजुअल एड्स में आ जाते हैं बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल साइन, टाइपोग्राफी, ड्रॉइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशंस, कलर्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, दे ऑल रीइंफोर्स रिटन कम्युनिकेशन. अब जितने भी साइंस, जितने भी चार्ट्स आपके सामने लाए, ये सब आप देख चुके हो. मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? जो पी लिखा हुआ है, ये जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले ना कि आपको भी, आप लोग भी इसको जानते हो या नहीं. क्या होता है इसका मतलब? अरे आएंगे आएंगे प्रवीण भाई, बिल्कुल आएंगे. जिसको मिलना है पुणे में मेरे को आके मिल लो भाई, मैं इधर ही छू. हाँ पार्किंग होता है. ये प्लेन वाला साइन क्या है रे? प्लेन वाला साइन हाँ, ये स्टॉप का साइन. करेक्ट, इधर देखो ये इलेक्ट्रिक वाला साइन. ये पेन खराब हो गया, मैं कल नया पेन टैब लेके आता हूँ. इलेक्ट्रिक वाला, ये मैग्नेट वाला, एक्सप्लोजिव, समझ में आ रहा है, रेडियो एक्टिव, वेट कैरी किया जा रहा है, वाईफाई का साइन है ना, लैंड माइन का साइन है, रेडियो एक्टिव का साइन है, इनफ्लेमेबल का साइन है, बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है. ये सारे साइन, जैसे नो स्मोकिंग का आपने साइन देखा होगा है ना, वॉशरूम्स का हम लोग साइन देखते हैं जेंट्स एंड लेडीज, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेट करती है अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं बिकॉज एवरीथिंग इज देयर ऑन द साइंस. ठीक है, तो जो भी विजुअल्स होते हैं जैसे ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट हो गया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हो गए, दे ऑल कन्वे अ आइडिया मोर क्लियरली. तो इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जो आपको विजुअल्स या ग्राफिक्स या फोटोज या चार्ट दिखाकर किया जाता है. फिर आते बात करते हैं हम लोग
फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी मच इसेंशियल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द सेम टाइम इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी। सिर्फ ऑफिशियल बोलते ना, ऑफिशियल चैनल विल नॉट बी सफिशियंट, आपको साथ ही साथ कुछ अनऑफिशियल चीजें भी आपको रखनी पड़ेगी। वहां पर क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें अनऑफिशियली की जाती है जो ऑफिशियली भी नहीं की जाती, बहुत सारी बातें अनऑफिशियली हो जाती है ना, तो ये भी हमको बिल्कुल करना है। ओके वेदांत, आप कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा हम लोग कब और कहां मिल सकते हैं, है ना। मैं स्टूडेंट्स के लिए जरूर टाइम निकालता हूं, हमेशा टाइम निकालता हूं, मैं आपको अपना टाइमिंग बता दूंगा, आप कभी मुझसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। यार फॉर्मल कम्युनिकेशन ना दो तरह के होते हैं, ओरल एज वेल एज रिटन, करेक्ट। जब आप कोई पर्टिकुलर रूल्स प्रिंसिपल्स कन्वे करते हैं टू कम्युनिकेट, हम कहेंगे कि आप एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बॉस से बात कर रहे होते हो या जब आप अपने सबॉर्डिनेट या अपने कॉलीग से बात कर रहे होते हो, आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में तीन पैटर्न हमें नजर आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। मैं एक एक करके आपके सामने एक एक चीज डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। बेटा ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम में आती है कंपल्सरीली मैंडेटरीली, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दो। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन फ्लोज आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, यानी कि आप अपने बॉस को रिपोर्ट्स देते हो और आपका बॉस आपको टास्क देता है, आपको काम देता है, आपको बोलता है कि ये करके आना वो करके आना, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, डेटा इज कलेक्टेड एट द लोअर लेवल एंड इट फ्लोज टू टॉप लेवल, and instructions are generated at the top level which flows down to the bottom level, correct। इसे vertical communication किया जाता है जो आपके और आपके boss के बीच में usually होता है। तो आपका boss ऊपर बैठा होता है और वो आपको order दिया जाता है और आप यहाँ पे बैठे हो employee और आप अपने boss को उनके order के अनुसार report दिया करते हो कि सर हाँ आपने जो बोला था वो हमने कर दिया। इसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर आता है बेटा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अभी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोले तो क्या, जरूरी थोड़ा ना है कि ऑफिस में आप सिर्फ अपने बॉस से ही बात करते हो, यू ऑल्सो कनेक्ट एंड यू ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद सम अदर पर्सन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बट एट द सेम हायरार्कियल लेवल। सर ये नहीं समझा, मैं बताता हूं। देखो से फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी प्रोसेस करनी है, ठीक है, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हो, आपको आपके बॉस ने कहा है कि बेटा सैलरी प्रोसेस कर देना, तो आपने कहा बिल्कुल सर जो हुक्म मेरे आका, समझ लो कल तक सबके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। लेकिन आपके कौन कौन कंपनी के कौन से एम्प्लॉयज हैं, वो कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने हाफ डेज थे, उनके पेड लीव्स कितने हैं, अनपेड लीव्स कितने हैं, कौन मैटरनिटी लीव पे गया, कौन पैटर्निटी लीव पे गया हुआ है, किसने किसको हमने ऑलरेडी एडवांस सैलरी पे किया हुआ है, किसने हमें कोई और अमाउंट रिकवर करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो भाई एचआर एग्जीक्यूटिव के पास होती है। अब ध्यान से देखो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और एचआर एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एक दूसरे के बॉस या सबॉर्डिनेट नहीं है, ये लोग कॉलीग्स है, कॉलीग्स मतलब दे आर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये एचआर डिपार्टमेंट में तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट में, बट दे आर नाइदर द बॉस नॉर द सबॉर्डिनेट ऑफ ईच अदर, दे आर एट द सेम हायरार्कियल लेवल। बस एक अकाउंट डिपार्टमेंट में, एक एचआर डिपार्टमेंट में। तो जब ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं ना, तो एचआर एग्जीक्यूटिव से आप बोलते हो कि भाई मुझे सैलरी प्रोसेस करना है, मुझे डेटा दे, एचआर एग्जीक्यूटिव आपको डेटा दे देता है कि कौन सा एम्प्लॉय था, उसकी कितनी क्या थी, वो सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता है।
एंड उसकी इंफॉर्मेशन लेकर, उससे इंफॉर्मेशन लेकर आप अपनी सैलरी प्रोसेस करते हो। सो ही कैन नॉट वर्क विदाउट यू एंड यू कैन नॉट वर्क विदाउट हिम। आप दोनों को साथ में बात करके, मिलजुल कर ही कम्युनिकेट करके काम करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का बॉस नहीं है। दे आर ऑल एट वन सेम लेवल। ठीक है, फिर आता है सर डायगोनल कम्युनिकेशन। पहले हम हॉरिजॉन्टल पढ़ लेंगे, फिर हम डायगोनल पे जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट इन द कंपनी में होल्ड अ रेगुलर डेली, वीकली और मंथली मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। फिर आता है डायगोनल। अब डायगोनल समझने के लिए आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। आइए मैं आपको डायगोनल कम्युनिकेशन समझाता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, ये है अकाउंट्स हेड और ये है एचआर हेड। अकाउंट्स हेड के नीचे काम करता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव या अकाउंट मैनेजर, एचआर हेड के नीचे बात करता है एचआर मैनेजर, इनके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, और इसके नीचे भी रहेंगे एचआर एग्जीक्यूटिव्स। करेक्ट। अगर अकाउंट्स हेड अकाउंट मैनेजर से बात कर रहा है तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर अकाउंट मैनेजर अकाउंट एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है तो ये भी वर्टिकल है। सेम विथ एचआर हेड एचआर मैनेजर एंड एचआर मैनेजर एचआर एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ये ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं, तो दीज आर वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर अकाउंट हेड एचआर हेड से बात कर रहा है तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। सेम विथ अकाउंट मैनेजर एचआर मैनेजर अकाउंट एग्जीक्यूटिव एचआर एग्जीक्यूटिव, ये हमने जस्ट देखा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन जब एचआर हेड अकाउंट एग्जीक्यूटिव या अकाउंट मैनेजर से कम्युनिकेट करता है, इसे कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। इसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इसके बीच में, मतलब टू पीपल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। अब ध्यान से सुनना, अकाउंट मैनेजर इज नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफ एचआर हेड, वो एचआर हेड का एम्प्लॉय नहीं है, वो अकाउंट हेड का एम्प्लॉय है। लेकिन एचआर हेड उसके बॉस के इक्विवेलेंट लेवल पे है और ये नीचे है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है इसे डायगोनल कहा जाता है। बहुत आसान है, आपको नाम से याद हो जाएगा, नाम से याद हो जाएगा। तो वर्टिकल इज स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल इज फ्लैट एंड डायगोनल इज क्रिस क्रॉस। समझ में आया आपको? तो डायगोनल कम्युनिकेशन ये आप लिख लेना, अगर आपको याद नहीं रहते तो, इससे आपको समझ में आ जाए। अब कम्युनिकेशन ये जो चैप्टर है, मैं वर्ड बाय वर्ड अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने लायक कंसेप्ट है ही नहीं, है ना। मतलब वो इतनी छपरी कंसेप्ट है कि उसमें वर्ड बाय वर्ड जाना, आप इसको पढ़ सकते हो। और एक और बार मैं दोबारा बोल दूं, ये क्रैश बैच है, है ना, और इसको क्रैश बैच में ही करना होता है, तो आप उसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके सर, बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। सर डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड इज डिस्क्राइब्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन। So diagonal communication is increasingly common in larger organizations. It reduces the chances of distortion or misinterpretation by encouraging direct communication between relevant parties. For example, a junior engineer reports directly to general manager regarding the progress of the project. So ye iska ek bahut bada benefit hai diagonal communication. Dekho,
जैसे यहाँ पे अकाउंट्स हेड था और यहाँ पे एचआर हेड था, यहां पर अकाउंट एग्जीक्यूटिव था और यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव था। एचआर हेड को अकाउंट एग्जीक्यूटिव से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जाएगा अकाउंट हेड के पास, फिर अकाउंट हेड जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास, फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट हेड को बताएगा, फिर अकाउंट हेड एचआर हेड को बताएगा। अब होता क्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होने का भी प्रोबेबिलिटी है कि अकाउंट हेड ने अगर कुछ सुनने में गड़बड़ कर दी या समझने में गड़बड़ कर दी या रिपोर्टिंग में गड़बड़ कर दी, तो वो कहना क्या चाह रहा है और उसको क्या जा रहा है, ये दोनों मैसेज में डिफरेंस आ सकता है। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन्स एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग एक डायगोनल कम्युनिकेशन लाइन ओपन कर देते हैं बिटवीन एचआर हेड एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब आपको जो भी चाहिए आप डायरेक्टली अकाउंट एग्जीक्यूटिव से पूछो, टाइम भी कम लगेगा, सही इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन डायगोनल कम्युनिकेशन इज यूज एक्सटेंसिवली इन लार्जर कंपनी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है सर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब हमारा कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, सोसाइटी के लोग, रिलेटिव्स, इन लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो जिस लैंग्वेज में, जिस स्ट्रक्चर से हम बात करते हैं उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी, किसी के पास भी जा सकती है, कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को कुछ भी बोल सकता है, बिकॉज ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेपवाइन, आप में से कितने लोग गॉसिप करते हैं, जरा हाथ ऊपर करना, कितने चुगलीखोर है इस क्लास में देखो, जरा चुगली खोरो हाथ ऊपर करो। सारे चुगली खोरों को मैं कह रहा हूं हाथ ऊपर करो, हाँ करते हो। अब देखो ये चुगली होती कैसी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सुनो। ग्रेपवाइन कैसे होता है? ग्रेपवाइन का आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आज अभी आपको यहां पर पता चल जाएगा। ये ग्रेपवाइन होते हैं, कुछ इस तरह से अंगूर लगते हैं, सारे अंगूर एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा अंगूर कौन से ब्रांच के कौन से सब ब्रांच से आया है, मतलब द ट्रेसेबिलिटी ऑफ दैट अंगूर इज वेरी डिफिकल्ट। यही रीजन है कि इसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर की जो पूरी एक वो होती है ना, उसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कोई एक बंदा है जो कोई अफवाह शुरू करता है, ठीक है, और वो अफवाह आग की तरह फैल जाती है, सच में आग की तरह फैल जाती है। मतलब अब जैसे सुन, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल क्या अफवाह फैला हुआ, हाँ, डीजे सर ने ऑडी परचेस, ऑडी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको बताया या नहीं बताया, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये बात उन्होंने आप तक नहीं बताई होगी तो, या शायद वो सोशल मीडिया पे ये चीज डालेंगे, लेकिन डीजे सर ने एक ऑडी परचेस कर ली। अब मैंने ये बात बोल दी, अब बच्चे जाएंगे डीजे सर की क्लास में और मांगेंगे पेड़े। अब डीजे सर होंगे कंफ्यूज, ये पेड़े क्यों मांग रहे हैं, और फिर कोई एक बच्चा बोलेगा सर ऑडी ले ली, बताया भी नहीं यार, मतलब सर यही दोस्ती अपनी, हाँ यही यही इतना ही, यही प्यार अपना। अब यार देखो, एक बच्चा क्लास में बोलेगा, दूसरा बच्चा पढ़ेगा, वो जाके तीसरी क्लास में बोलेगा, तीसरी क्लास के टीचर को पता चलेगा, वो जाके अगली क्लास में बोलेंगे, और ऐसे करते 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 पूरे भारतवर्ष में ये बात फैल जाएगी कि डीजे सर ने ऑडी परचेस कर ली। उसके बाद ये बात डीजे सर तक भी पहुंचेगी कि उनको पता ही नहीं है और उन्होंने एक ऑडी परचेस कर ली है, समझ आ रहा है?
दैट इज हाउ ग्रेपवाइन वर्क्स। ये एक अनऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे गॉसिप की तरह यूज होता है। और आप ऑफिस में जाकर देखना, ऑफिस में ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो सिर्फ 10% होता है, बचा 90% जो होता है ना वो गॉसिप होता है। सुना, देखो पता है क्या, वो एचआर वाली हेड है ना, एचआर वाली, अभी वो अकाउंट्स के हेड के साथ भाग गई। ये सारी बातें कर रहे हैं लोग, ऑफिस गया बाढ़ में भाई, ये लोग क्या, देखो यही चल रहा है। तूने सुना क्या, उसका ना चक्कर उसके सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। ये अच्छा, बेसलेस, इनका कोई, इसके इनका कोई बेस नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं। इनको ना सिर्फ मजे लेने हैं लाइफ में, तो फालतू की अफवाह फैलाएंगे। और उनको मालूम है कि ऐसी अफवाह आग की तरह फैल जाती है, तो बस फिर क्या है, इसका फायदा उठाओ। ऐसे में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन सामने आता है। याद रखना दोस्तों, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ग्रेपवाइन में सुनी सुनाई बातों पे आपने भरोसा करना नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि इसकी जेन्युइनिटी क्या है और क्या नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर इवन आउटसाइड द फॉर्मल डोमेन। कभी वो लंच करने चले जाते हैं, कभी डिनर करने आते हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी घूमने ट्रिप्स पे चले जाते हैं, तो बहुत सारी उनके बीच में गॉसिप्स होती है, और उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ना कोई बॉस नहीं होता, कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिल खोल के बात कर रहा होता है और चुगली कर रहा होता है। बड़ा मजा आता है सुनने में, बड़ा मजा आता है। चलो अब आता है, जरा फोकस करना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, दैट इज नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। सर, कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू अ मेथड एंड पैटर्न यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पास ऑन इंफॉर्मेशन टू अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेटवर्क से होता क्या है, नेटवर्क से आपको पता चलता है कि कम्युनिकेशन का फ्लो किस प्रकार है, कौन सा आदमी किसको टास्क दे रहा है और कौन सा आदमी वो टास्क कंप्लीट करके किसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसके लिए एक नेटवर्क होना चाहिए, सो दैट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हमको कब, कहाँ और किस तरह किससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और ऐसे कई पैटर्न्स आप कंपनीज में देखेंगे तो निकल के आ जाते हैं, उनमें से कुछ पैटर्न्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन अगर आपको कोई नजर आएगा तो वो है पैटर्न नंबर वन, वर्टिकल नेटवर्क। सर, वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है वो है वर्टिकल नेटवर्क। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है, सुपरवाइजर आपको ऑर्डर देता है, आप उसको रिपोर्ट बनाकर देते हैं। अगर क्या ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है, नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ये क्वेश्चन आता है एक एक मार्क के लिए भी अगर आपको पूछा जाता है, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पेन से ड्रॉ करें प्लीज, ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप ऐसा ही कर दो, एक काम करो बॉस और एम्प्लॉय, अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा है तो सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट, अगर आप ये ड्रॉ करेंगे आपको डेफिनेटली उसमें कुछ भी मार्क्स कटेंगे नहीं, नो मैटर आपने ऊपर कितना भी लिखा हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, जो भी एग्जाम में आपको डेफिनेटली नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप लोगों को नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन कंफर्म आने वाले हैं, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको जरूर ड्रॉ करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप सुनना चाहते हो तो जरूर सुनना। दूसरा आता है आपके सामने सर्किट नेटवर्क, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, येड़े सर्किट नेटवर्क। अब ये सर्किट नेटवर्क क्या होता है, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पता है, बस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करने के लिए जो नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्किट नेटवर्क कहा जाता है। सो व्हेन टू पीपल हु कैन बी कॉलीग्स प्लेस एट द सेम हायरार्कियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दे टॉक टू वन अनदर, इट इज कॉल्ड एज सर्किट नेटवर्क, ठीक है। अब आप इसको चाहे ऐसे ड्रॉ करिए, या आपको ऐसे ड्रॉ करना है, आप ऐसे ड्रॉ करिए कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये इससे बात कर रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप इतना भी ड्रॉ कर देते हो ना तो भी आपको इसमें मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सर्किट नेटवर्क जरूर आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, तो सर्किट नेटवर्क आप यहाँ पे देख लो। सर्किट नेटवर्क क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ना सेम हायरार्कियल लेवल पे है, ये और ये, नाइदर ए इज द बॉस ऑफ बी नॉर बी इज द बॉस ऑफ ए, ठीक है, इसीलिए इसको सर्किट नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, ओके, फिर आते हैं आगे, फिर आते हैं आगे, अब है चेन नेटवर्क। अब भाई ये चेन नेटवर्क जरा ध्यान से देखना, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, छोटे जगहों पे नहीं। चेन नेटवर्क में क्या होता है, सबसे ऊपर हमारे कंपनी का मेन बॉस बैठा होता है, सीईओ ऑफ द कंपनी या एमडी ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वहां पर ऊपर से बैठ के, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा है या मुकेश अंबानी है, अगर मुकेश अंबानी को अपने एम्प्लॉय से बात करनी है, आपको लगता है वो जाकर इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय से बात कर सकता होगा? नहीं, सोचो ना, आप कभी सोचो ना, दिखा क्या आपको मुक्कू भैया लाइन में खड़ा है, एक एक एम्प्लॉय आ रहा है, उससे बात करके जा। सर मुक्कू भैया की ना 6 जिंदगियां चली जाएगी अपने सारे एम्प्लॉय से सिर्फ हाय बोलने में, इतने एम्प्लॉयज उनके पास, समझ में आ रहा है? तो फिर सर ये मुक्कू भैया अपने सारे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, काम कैसे करवाते हैं? मुक्कू भैया ने चेन नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, बताता हूँ कैसे। मुक्कू भैया अपने नीचे कुछ लोगों को लेकर चलते हैं, 5-10 लोग, 15 लोग उनके टीम में है, वो 15 लोग अपने नीचे और 15-15, 20-20 लोगों को लेकर चलते हैं, वो 20 लोग अपने नीचे और 50-50, 60-60 लोगों को लेकर चलते हैं, और वो 60 लोग अपने नीचे और 1,000-1,000, 2,000 लोगों को, या 100-200 लोगों को, 400 लोगों को लेकर चलते हैं, और इस प्रकार कंपनी के लाखों एम्प्लॉयज एक चेन में जुड़ते चले जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, अब अगर मुक्कू भाई को कोई भी कम्युनिकेशन करना है, उन्हें हर एक एम्प्लॉय से जाके कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2-4 लोगों को कम्युनिकेट करेंगे जो उनके नीचे बैठे हैं, बस। वो 2-4 लोग अपने नीचे के 20 लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, वो 20 लोग अपने नीचे के 500 लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, और वो 500 लोग अपने नीचे के हजारों लाखों लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तो आपको कितने कम एफर्ट्स में आपका मैसेज एकदम लोअर लेवल तक चला गया विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, आप ए विल गिव द इंस्ट्रक्शंस टू ई एंड बी, ई विल गिव टू एफ, बी विल गिव टू सी, और लाइक वाइज ही नीचे जाता रहेगा। लेकिन बेटा जहां गुड़ होती है वहां मक्खी भी होती है, मतलब जहां अच्छी बातें हैं वहां कुछ बुरी बातें भी सामने आती है। जैसे सर व्हाट इफ मिस्टर एफ इज एब्सेंट, अगर मिस्टर एफ एब्सेंट है तो उनके नीचे के टीम को कौन कम्युनिकेट करेगा? व्हाट इफ मिस्टर सी मिसअंडरस्टैंड्स द मैसेज, अगर उसको मैसेज समझ ही नहीं आया तो वो तो जो भी गलत उसको समझा है वो तो अपना गलत ही मैसेज आगे देगा लोगों को, करेक्ट? तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे कंपनी पे बहुत भारी पड़ सकती है सर, राइट? और कई दफा चेन नेटवर्क स्लो हो जाता है, जो बात ए डी तक पहुंचाना चाहता है उसको पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल इन बिटवीन इन द चेन। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, है ना? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। फिर एक है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आप बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि रिलायंस, टाटा, इसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपका छोटा या मीडियम साइज कंपनी या फर्म है तो वहां पर शायद व्हील एंड स्पोक मेथड चल जाए। जैसे मैं एक सीए की बात करता हूँ, सपोज करो एक सीए का ऑफिस है, तो सीए एक सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाएगा, और वो अपने हर एक एम्प्लॉयज को, है ना, वो अपने हर एक एम्प्लॉय को या अपने हर एक आर्टिकल को काम देगा और उनसे रिपोर्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी, देख रहे हो कितने लोगों को काम दे रहा है वो, इन 10 लोगों को कितने, 3, 3, 6 और 2, 8, इन 8 लोगों को बंदा अकेले बैठ के काम दे रहा है,
और इन 8 लोगों का काम चेक भी वही कर रहा है, उनकी क्वेरीज भी वही सॉल्व कर रहा है, और सारा डिसीजन मेकिंग भी वो कर रहा है। सर ये बहुत अच्छा होगा अगर आपकी फर्म छोटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई किराना दुकान है, तो एक बंदा बीच में बैठ के सबको ऑर्डर देगा, ए जा चल रामू तू दूध निकाल, ए तू चल एक काम कर गेहूं पैक कर, ए तू इसको ये भैया को दाने दे। छोटे कंपनीज में ये बहुत अच्छे से चल जाए, लेकिन अगर मैं रिलायंस जैसे कंपनी की बात करूं तो वहां पर ये नेटवर्क नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज एक कंपनी जिसमें लाखों एम्प्लॉयज है, आप लाखों लोगों से एक अकेला आदमी बात नहीं कर सकता, आदमी पागल होके मर जाएगा। और तो और अगर सारे डिसीजंस एक ही आदमी लेते बैठेगा तो कंपनी में कभी काम हो ही नहीं पाएगा। यू नीड अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकर्स इन लाइफ। तो बिग कंपनीज, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक रिलायंस टाटा, दे के नॉट हैव ओनली वन पर्सन मेकिंग ऑल द डिसीजंस, दे नीड मोर डिसीजन मेकर्स। तो वहां पर ये व्हील एंड स्पोक नेटवर्क नहीं चलेगा, वहां पर आपको चेन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये सेंटर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर बंद हो जाए, एबसेंट हो जाए, घूमने चले जाए, बीमार हो जाए, तो ये बाकी लोग सब कंचे खेलेंगे बैठ के, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या करना है। सबको काम लेने देने का काम तो सीए करता था, अब सीए साहब चले गए घूम ले, तो अब ए बी सी डी ई एफ जी बैठ के पबजी खेल रहे हैं मोबाइल में। अरे क्या करें ना, उनको तो आता ही नहीं ना, कोई और है नहीं उनके ऊपर मैनेज करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेर देर इज अ सिंगल कंट्रोलिंग ऑथोरिटी हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम एंड हर। ऑल एम्प्लॉयज गेट्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर एंड दे ऑल्सो रिपोर्ट बैक टू द सेम लीडर। इट इज अ डायरेक्ट येट एफिशियंट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल कंपनीज, बट इट इज इनअप्रोप्रिएट वे फॉर कम्युनिकेशन फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इन अ कंपनी वेयर सो मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, वी नीड मोर डिसीजन मेकर्स, अदरवाइज नथिंग वुड गेट डन। सो कैन अ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस एंड टाटा हैव वन पर्सन मेकिंग डिसीजन? नो। मोर ओवर, इफ द सेंट्रल फिगर इज नॉट कॉम्पिटेंट, द एंटायर बिजनेस विल डेफिनेटली। इसे कहते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। कहते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। अगेन अगर ये एग्जाम में आता है तो प्लीज ये ड्रॉ जरूर करना। थैंक यू सो मच प्रिंस, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। फिर बात करते हैं स्टार नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है ना, ये बड़ा जोरदार नेटवर्क। अब देखो इसको, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। शायद नए मॉड्यूल में इसको करेक्ट कर दिया गया है, ओल्ड मॉड्यूल में ये करेक्ट नहीं थी। फिर स्टार नेटवर्क क्या होता है? यहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी इंसान से बात कर रहा है। अरे तेरे तो बड़ा कंफ्यूजिंग नेटवर्क लग रहा है। नहीं, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा है अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, अगर आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो स्टार नेटवर्क से अच्छा नेटवर्क नहीं है सर। क्यों? बिकॉज मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर ओपन बिटवीन ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, अब इससे होता क्या है, एनी पर्सन इन द चैनल कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन वेन एवर एंड हाउ एवर ही वॉन्ट्स। अगर ए को सी जी से बात करनी है, डायरेक्ट लिंक है। ए को डी से बात करनी है, डायरेक्ट लिंक है। ए को सी से, ए को बी से, बी को जी से, बी को डी से, बी को सी से, सी को डी, सी जी, सी ए, आप कोई भी लिंक निकाल लगा लो यहां पर, देयर विल बी अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जब चाहे फ्री फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है, विदाउट एनी हिंडरेंसेस, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। तो अब होगा ना ग्रुप डिस्कशन भाई, अब तुम लोग फैसले ले पाओगे। समझ में आ रहा है तुमको? अब होगा तुम लोगों का डिसीजन मेकिंग। तो ये स्टार नेटवर्क वहां पर चलता है। तो अब आपको कौन सा
नेटवर्क यूज करना है ये तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड पे डिपेंड करेगा। आप लोग अपने कंपनी में एक या एक से ज्यादा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, या अपने मन से कोई एक कस्टम नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। दोस्तों आज 9 बजे हमारा सीए इंटरमीडिएट का एक लॉन्चिंग है, उस वजह से मुझे आज ये क्लास जल्दी यानी कि 12 मिनट पहले एंड करना पड़ रहा है। ये 10 मिनट मैं सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए और उस अनाउंसमेंट के लिए रेडी होने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आज का क्लास यहीं पर खत्म करूँ और कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे जाए जो हमें लर्न करना है, और एक साथ शुरू करेंगे एक साथ कंप्लीट कर देंगे, क्या कहते हो, चलेगा? दोस्तों आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, कौन सा बच्चा था वो क्वेरी पूछ रहा था, बे आ जा बेटा कौन सी क्वेरी है तेरी बता दे फटाफट। चलिए प्रिंस भाई थैंक यू सो मच। कोई नहीं बेटा, तुम्हारे रिजल्ट्स मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, तो बस रिजल्ट लेकर आ जाओ। कहाँ गया वो क्वेश्चन वाला? अरे टाइम आउट पे डाला था यार उसको, गायब भी हो गया वो तो। कल कितने बजे लेक्चर है? वही बेटा मॉर्निंग मॉर्निंग 8 AM अनपेड सेलर एंड इवनिंग 8 PM VCR। सोचो मैं दोनों टाइम 8 बजे आता हूँ, तो AM हो या PM आदर्श सर इज हियर। हाँ प्रियांश, मिस्टर एस एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है 12 अगस्त 2020 को, एंड मिस्टर एस रिवोक हिज एक्सेप्टेंस ऑन 11 अगस्त 2020, लेकिन वो पहुंचता है मिस्टर एक्स को 15 अगस्त 2020, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं बेटा, ये एक एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपके केस में रिवोकेशन इज करेक्ट बिकॉज द कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन हैपेंस व्हेन द रिवोकेशन लेटर इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपका रिवोकेशन हो चुका है एक्सेप्टेंस का 11 अगस्त को, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होने वाला है 12 अगस्त को, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपके एंड से आपने रिवोकेशन कर दिया, तो हेंस दिस एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड एंड नो कॉन्ट्रैक्ट विल बी नो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस, ठीक है। चलिए चलो बेटा जितने जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वन शॉट सेशन ऑफ टीका, बेटा मैंने ऑलरेडी टीका के सारे रिवीजन ले रखे हैं, आप उसको देखकर एक साथ देखोगे तो आपके लिए वन शॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके कितने दिन चलेगा? मुझे पता नहीं, 10-15 दिन शायद चले, है ना, 15 दिन ये मंथ के एंड तक चलेगा बीसीआर क्रैश कोर्स। और अगर मैंने इसका टाइमिंग बढ़ा दिया, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए, तो शायद वो ज्यादा भी चल सकता है। अब दोस्तों मुझे भागना पड़ेगा बिकॉज हम बहुबली परिवार कुछ नया अमेजिंग लेकर आ रहे हैं इंटरमीडिएट के लिए, तो आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। प्री ट्रैकर्स आपके सामने हैं, प्लीज बाय प्लस, और 14th तक अगर आप प्लस लेते हो तो आप 20% ऑफ यूज आपको मिल सकता है। बट प्लीज यार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या दुश्मनी है मुझसे, मैं इमीडिएटली तुमको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। व्हाई डोंट यू यूज सी आदर्श कोड? अगर आप सी आदर्श इस्तेमाल करेंगे तो ही तो मैं यहाँ रखे पढ़ा पाऊंगा ना बिडू। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो और आपको पढ़ना पसंद है तो प्लीज सी आदर्श कोड का इस्तेमाल करें, प्लस परचेस करें और हमारी RTP MTP PYQ बैच को ज्वाइन करें। नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर हाउ मच यू रिवाइज, अंटिल एंड अनलेस यू राइट यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर एज हाई एज यू विश। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लस ले लो और सी आदर्श कोड यूज हो जाए और आदर्श सर पार्टी कर ले, नहीं। अगर तुम प्लस नहीं भी ले सकते तो भी तुम एक पेन और पेपर ले सकते हो, तो पेन और पेज जरूर लो और लॉ को लिख के निकालो। लॉ के सारे RTPs MTPs PYQs जितने ज्यादा हो सकते हैं अपने आप से सॉल्व करो, और अगर आपको लगता है आप ये सब में सक्षम नहीं है तब आप प्लस लेकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड सी आदर्श, एंड आप RTP MTP बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
हर जगह सियादत विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे गाइस. डोंट फॉरगेट टू यूज द हैशटैग सेवोली टीम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. लिखोगे तो ही आपको जबरदस्त मार्क्स आएंगे, याद रखें ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. मैं नंबर टेलीग्राम कुछ भी शेयर नहीं कर सकता, हमें अलाउड नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए. जय हिंद जय भारत. याद नमस्कार.